यहाँ पर बात करेंगे जे बेस ऑल स्टार वोमेन्स T20, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो लिखा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये है जापान वोमेन्स T20 का डोमेस्टिक मैच यहाँ पर खेला जाएगा। यानी दोनों टीमों में देखोगे सारे के सारे प्लेयर जो है वो जापान वोमेन्स के टीम से है, कुछ डोमेस्टिक मैच का प्लेयर है और कुछ इंटरनेशनल मैच का प्लेयर है। तो उसी में से हम लोग एक बेहतर टीम बनाने का प्रयास करेंगे। सुबह के टाइम 6:30 बजे यह मुकाबला खेला जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका रिकॉर्ड देखा जाए काफ़ी ख़राब है और लोग कैप्टन भी सी बना के रखे हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर जिनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है लोग पिक करके नहीं रखे हैं। तो ये सिलेक्शन बेसिस क्या है उसके ऊपर हम लोगों को बिल्कुल भी नज़र नहीं डालना है। जो प्लेयर बेहतर है उनके ऊपर हम लोगों को बेहिचक जाना चाहिए। तो मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा GL से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट भी आपको मिलेगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है, तो मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हु बहु आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नज़र आएंगे, उनसे आपको बचना है। ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर कमेंट पे पिन किया गया होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे तो ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे, यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखा जाए तो जापान वुमेन्स जो इंटरनेशनल मुकाबला खेली थी यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर है जो कि इस डोमेस्टिक T20 का हिस्सा है। ये चंडेल हिस्सा है, यहाँ पर कैप्टन वाइस के लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इनके अलावा ए फुजिकवा की बात करें ये भी ड्रीम इलेवन का हिस्सा है। इनके अलावा जहाँ पर देखा जाए ए के फुजिकवा की बात करें ये भी है। इनके अलावा एम याना गिडा की बात करें ये भी ड्रीम का हिस्सा है। एम ओगावा की बात करें ये भी है। तो जो जो प्लेयर बेहतर है यहाँ पर मैं उनके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर जापान की बल्लेबाजी में देखा जाए तो विकेट कीपिंग सेक्शन में एक कानू नज़र आएंगे, ई ओडा यहाँ पर नज़र आएंगे जो कि टीम का भी हिस्सा है, ए चंडेल यहाँ पर नज़र आएंगे, कैप्टन वाइस के लिए बेस्ट नज़र आ रही है, एस मियाजी एस काटो यहाँ पर टीम का हिस्सा नहीं है, अलग टीम के खिलाफ हो सकता है ये खेले। एम योशी क्वा की बात के यहाँ पर 8 रन, ए फुजिकवा यहाँ पर 4 रन जड़े। तो इस प्रकार से इनका जो है चल रहा है यहाँ पर स्कोर कार्ड। तो मेरे भाई इस मुकाबले में जो है ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो कॉम्बिनेशन, हालांकि यहाँ पर स्कोर कार्ड भी हम लोग देख लेते हैं। एक कानवर ई ओडा ने यहाँ पर जबरदस्त 54-41 का इनिंग खेला, ए चंडेल ने भी 25 का योगदान दिया, अच्छा खासा अच्छा लगा देखकर। बाकी गेंदबाजी इस प्रकार से रही। इनके अलावा एम याना गिडा की बात की एक विकेट कैप्टन, और ए फुजिकावा की बात के यहाँ पर 4 run 23 run देकर एक विकेट जो कि स्पिन गेंदबाजी ये कराती है। तो मेरे भाई बहुत सारे मुकाबले खेले हैं लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कॉम्बिनेशन के ऊपर। लेकिन अभी तक अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ वो भी बेहतर तरीका से। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए नो डाउट विकेट कीपिंग सेक्शन में एक कानों से बेहतर नहीं होना चाहिए, हालांकि इनका भी रिकॉर्ड देखो वो ठीक ठाक है लेकिन उतना बेहतर नहीं है कि पिक करना चाहिए। लेकिन मुझे एक विकेट कीपर पिक करना था तो मैंने एक कानों को पिक किया और करना भी चाहिए। इनके अलावा ई ओडा को यहाँ पर पिक किया, इनका सिलेक्शन देख सकते 95% प्लेयर भी खूब बढ़िया। ए फुजिकवा की बात किया, पार्ट टाइम गेंदबाजी करते बल्लेबाजी थोड़ा नीचे आती है तो मैंने इनको पिक कर लिया। एज गोटो की बात करिए, जब भी खेलती है तो अपने टीम की तरफ से ये ओपन करती है, पार्ट टाइम एकाक ओवर ये डालने की क्षमता रखती है तो मैंने यहाँ से इनको पिक कर लिया। वैसे इनका सिलेक्शन देखो भैया बहुत ज़्यादा है, हालांकि बल्लेबाजी काफ़ी नीचे आती है अभी तक देखा जाती है गेंदबाजी ना तो मैंने सीरीज पे देखा है कि, लेकिन फिर भी लोगों ने इनको 54% कैप्टन बना के रखा, पता नहीं डोमेस्टिक रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं जहाँ तक रिसर्च किया तो हमारे अनुसार इनको तो पिक नहीं करना चाहिए लेकिन लोग कैप्टन दे रहे हैं, खैर अलग की बात है। एस सुमी की बात की, इनका सिलेक्शन काफ़ी बढ़िया, इनका रिकॉर्ड मैंने ढूंढा इनका रिकॉर्ड ही नहीं मिला, अब पता नहीं इनका सिलेक्शन अधिक हो सकता है दिक्कत ही आ जाए लेकिन वो अलग की बात है, लेकिन मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला तो शायद किसी अन्य को भी ज़्यादा दिक्कतें आएगी इनका रिकॉर्ड निकालने में। तो दोस्तों यहाँ से मुझे जो बेहतर लगा मैंने यहाँ पर पिक किया, देखो इनका भी रिकॉर्ड मुझे खास नज़र नहीं आया, जहाँ तक मैंने पता किया तो पिक करने लायक ये भी नहीं, लेकिन मैंने इनको पिक इसलिए किया क्योंकि इनका रिकॉर्ड कुछ साफ सुथरा उतना नज़र आया नहीं और ठीक ठाक थोड़ा बहुत लगा इसलिए मैंने यहाँ पर पिक किया। ये कनाडा की बात क्या, पार्ट टाइम गेंदबाजी के रूप में करते हैं, ये इंटरनेशनल खेल चुके हैं तो मैंने इनको यहाँ पर पिक किया। एम ओगावा की बात क्या, बढ़िया है। इनके अलावा एस ननाडे की बात किया, इनका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है लेकिन ज़्यादा गेंदबाजी ये करवाती नहीं है, अब मैं इन दोनों पर डाउट हूँ किनके साथ जाऊँ, लेकिन दोनों का रिकॉर्ड मुझे कुछ खास लगा नहीं। के फुजिकवा को यहाँ पर पिक किया, कैप्टन वाइस के लिए भी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर कैप्टन मैंने एस चंडेल को यहाँ पर दिया हूँ,
वीसी की बात की जाती है, यहाँ पर वीसी के लिए मैं यहाँ पर ए फुजिकवा के ऊपर ही मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ फिलहाल के लिए, के फुजिकवा। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए आपको ये टीम सेव करके रख लेना चाहिए, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाए कहाँ, अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो दोस्तों आशा करते हैं लक्ष्मी माँ विश्वकर्मा ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, सारे लोगों पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।